नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके मीडिया के साथ। एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक पे हर एक बच्चा, बूढ़ा, जम्मू कश्मीर का हर एक निवासी बात करना चाहता है, वो है 35A। कि आखिरकार क्या 35A हटाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मोगर्मी है। पर एक व्यक्ति हमारे साथ, जो ऐसे व्यक्ति जुड़ेंगे जो इस टीम में, एक जब ये बना था उस टीम में मौजूद थे, कृष्ण देव सेठी जी, शायद जम्मू कश्मीर के ऐसे व्यक्ति जो इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा संजीदगी से देखते हैं और सबसे ज़्यादा इसको अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए हम उनके साथ अब बात करने के लिए आए हैं। क्या 35A को कोई भी छेड़ नहीं सकता, उसको ना कोई कालोदन कर सकता ना उसको कोई मनसूख कर सकता, क्योंकि ये ऐसी दफा है जिसको दो बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। अच्छा। एक 1961 में, एक 1969 में। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब नॉर्मल तरीका यह है कि ये समायत के लिए एडमिट ही नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और इसका इशारा मैं नहीं कहता, ये बात जो बेंच इस वक्त सुन रहा है जिसने एडमिट की वह पिटीशन, उसके एक जज जस्टिस चंद्रचूड ने भी कही, लेकिन दो जजों ने मेजॉरिटी से फैसला किया उसको सुनने। पहली बात, किस्त और जू और ख्याबा फरोख्तन, कौमें फरोख्तन के अर्जा फरोख्तन, कौम कितनी सस्ती बेच दी गलाम से। तो उस वक्त कश्मीर में मुस्लिम तो वैसे ही पढ़े हुए नहीं थे, उनको लेकिन जम्मू में खसूसी तौर से सारी रियासत में आवाज़ उठी, जम्मू में भी आवाज़ उठी, खसूसी तौर पर जम्मू में आवाज़ उठी कि मेरा मतलब है ये बंद किया जाना चाहिए। अच्छा। और ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसके तहत बैरूनी लोग जो हैं वो यहाँ ना ज़मीन खरीद सकें, ना नौकरी ले सकें, या मुकामी लोगों को मिले। अच्छा। मतलब है उसके मुताबिक 1927 में आर्डर जारी हुआ स्टेट सब्जेक्ट का, महाराजा हरि सिंह के वक़्त में, जिस पर बैरूनी अनासर जो हैं उन पर पाबंदी लग गई और नौकरियां बाकी सब जो है इसको पुश्तीनी बाशिंदा रियासत का सर्टिफिकेट कहते हैं पुरानी। इट वॉज बेनिफिटरी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारा मतलब यह कानून जो था। अब उसके बाद न्याय 1947 के बाद जो अब लीगल पोजिशन अब आती है, जब जम्मू कश्मीर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत शामिल हुए सब, जिसमें जम्मू कश्मीर बाद में हुई, ये भी एक्सेशन में यह था कि तीन सब्जेक्ट मरकज को अवार्ड किए गए, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। अब बाकी रियासतों ने हिंदुस्तान की आइन साल असम्बली को सारे अख्तियार सौंप दिए आइन बनाने के, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन तीन सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी इख्तियारात जो हैं वो रियासती कॉन्स्टिट्यूट असम्बली जो बनी उसको तरवीज किए गए। आई वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली। अच्छा। एंड आई एम ओनली अलाइव्ड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली, बाकी सब खत्म हो गए, मर गए। कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ने तय हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इन तीन सब्जेक्ट के लिए तो एक्सीड हो गया हिंदुस्तान,
के साथ जाए जम्मू कश्मीर एक्सेशन हो गया, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ वही दफात आर्टिकल, दफात का मतलब आर्टिकल वही नाफज होंगे जो हमारा मतलब है यहाँ के कवा बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं। वो दिल्ली एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि खसूसी तौर पर यह रियासत के बशिंदों को महफूज करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक जारी करे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जिसके तहत इसको और महफूज बनाया जाए। इस बात को 35 है वही है जो 370 के तहत ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बनाया नाफज किया, समझी ना बात। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मौजूद नहीं है, वो टूट गई, लिहाजा अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कोई अदालत या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दफा को नहीं तोड़ सकती, जो कानून के एक्सपर्ट है उनकी राय यही। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दो दफा इस प्ली को रिजेक्ट किया, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये परमंद है रियासत के आवाम के जम्मू कश्मीर के हल को स्पेशल हक देती है, इसलिए ये वैसे भी कहने नहीं चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल भी इसको कोई नहीं तोड़ सकता। हमारा तमाम माहरीन का ख्याल हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती और मेरा मतलब है रिजेक्ट हो जाएगा ये, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस पर दूसरा फैसला कोई आता है तो यहाँ बड़ा जबरदस्त सुरताल पैदा हो जाए, कश्मीर का खसूसन लोग जो हैं वो इसको तस्लीम हरगिज़ नहीं करेंगे। इसमें कश्मीर में जम्मू में आगे भी बड़ी बुरी हालत है, मेरा मतलब है डिफेंस फोर्सेस के लोग भी मर रहे हैं, मिलिटेंट भी मर रहे हैं, लॉर्ड ऑर्डर के भी कोई पोजीशन नहीं है, मैशत यहाँ की इकॉनमी जो है सारी तबाह और बर्बाद हो गई है, बेरोजगारी है, बेकारी है, लोग जेलों में बंद हैं, जी चेचने हैं। अगर यह हुआ तो यह तबाह कुन होगा और ये मेरी अपना मकामी तौर पर बल्कि इससे इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जंग भी पैदा हो सकती है अगर जिस ये दफा को बंटवाने की कोशिश की, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इसलिए एक ये भी खदशा जहाँ लोगों के आम मफाद में ये है कि यहाँ के मुकामी लोगों को सर्विसेज जाने का खतरा है, ज़मीनें फरोख्त होने का खतरा है। तीसरी बात यह है कि ये वाहिद हिंदुस्तान में अकेली रियासत है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ज़्यादा, यह खतरा महसूस किया जा रहा है कि इसके ज़रिए से शायद आबादी का तनासब बगाड़ने की कोशिश है और इंटरनेशनली इट इज़ ए डिस्प्यूट कश्मीर का जो है उस डिप्यूट की शक्ल में मैं समझता हूँ कि नौबत आ सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट भी हो जाए। इसलिए दानिशमंदी का तकाजा यह है कि बीजेपी इसकी शोशेबाजी से बात रहे कि यह ठीक है कि जो औरतें हैं उनको अपने वालदैन की जायदाद का हक हासिल है और जो यहाँ से बाहर जाएंगे उनका भी हक है, वो हम मानते हैं, लेकिन वो किसी और कानूनी तरीके से महफूज किया जा सकता है, लीगल तरीके से इस दफा को तोड़ने की जरूरत नहीं।
یہ یہاں ہی نہیں بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی جائے گا, کئی جگہ پر حاصل ہے. مثلا آدی باسی ایریاز میں بھی اس قسم کے تحفظات جو ہے ریزرویشن فار دی لوکل پیپل ہیں, یہ کچھ وغیرہ میں بھی ہیں, یہ باقی جگہ پر بھی ہیں, تو اس لیے یہ کوئی غیر کی بات نہیں. وہ بھی اس کے توڑنے کے خلاف ہے, مطلب ہے اس قصہ دفاع کو کالعدم کرنے کے خلاف. این سی بھی, کانگریس بھی, پی ڈی بھی اور چھوٹے موٹے گروپ جو ہیں جموں میں بھی, مطلب ہے جموں صوبہ انکلوڈ کرتا ہے ڈوڈا ڈسٹرکٹ, رامبن ڈسٹرکٹ, کشتواڑ ڈسٹرکٹ, ریاسی ڈسٹرکٹ, رجوری ڈسٹرکٹ, پونچھ ڈسٹرکٹ, وہاں بھی اس کے خلاف ہے. جموں کا یہ جو پلین ایریا ہے وہاں بھی لوگ اب اس کے آگاہ ہو رہے ہیں, کوئی بڑی ایجیٹیشن نہیں ہے کہ اس کو ہٹایا جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جموں کشمیر کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ اس دفعہ کو قائم رکھنے کے حق میں, یہاں کے یوتھ کے نوجوانوں کے حق میں بھی ہے سروس حاصل کرنے کے لیے, جو بیکاری ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی لازمی ہے کہ یہ دفعہ قائم رہے, کیونکہ یہ ہٹتی ہے تو باہر کے لوگ آ جائیں گے اور وہ اس مقصد پر قبضہ کریں گے اور مقامی نوجوان جو ہے وہ رہ جائیں گے. تو آخر کار آپ نے سن ہی لیا, 35 سے ان کے اکارڈنگ ہٹنا نہیں چاہیے. اس کو اگر ہٹایا گیا تو سب سے زیادہ پرابلم جموں کشمیر کے نواسیوں کو ہی آنے والی ہے, اتنی زیادہ پرابلم کہ شاید جابس کا ملنا, رائٹس کا ملنا اب بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. پر دوسری طرف انہوں نے یہ چیز کی بھی سنجیدگی دکھائی ہے کہ اگر لڑکیوں کو اس چیز پہ رائٹس نہیں ملے تو کہیں نہ کہیں پرابلم ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اس میں کچھ امینڈ کیا جا سکتا ہے پر اس چیز کو ہٹانا سب سے بڑی غلطی ہوگی. کیمرہ مین دیس راجی کے ساتھ مجھے رتی شرما کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے جے کے میڈیا. نمسکار.